फ्रेंड्स, वैसे तो इस समय सभी लोग डोमेस्टिक फ्लाइटों की बात कर रहे हैं, पर इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि सरकार इंटरनेशनल फ्लाइटों को लेकर क्या कर रही है और रेगुलर फ्लाइटें कब से शुरू हो सकती हैं। तो आपको बता दें कि डोमेस्टिक फ्लाइटों को शुरू करने के बाद सरकार का अगला टारगेट इंटरनेशनल फ्लाइटों पर रहने वाला है, लेकिन यह सफ़र इतना भी आसान नहीं रहने वाला। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि देश में अभी तक कोरोना के केसेस कम शुरू नहीं हुए हैं और ऐसे में सरकारें किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। अब लेकर आपको चलते हैं चाइना की तरफ। चाइना ही एक ऐसा देश था जिसने कि लॉकडाउन हटाया और फ्लाइटों को चालू करने का फैसला लिया। उसने जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू की, वैसे ही चाइना में कोरोना के केसेस कितने ज़्यादा शुरू हो गए। उसके बाद उसको इंटरनेशनल फ्लाइटों को लिमिट करना पड़ा। सेम यही भारत के साथ भी होने वाला है। भारत चाइना से सीखते हुए ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा कि जिससे देश में कोरोना फैले। आपको बताना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए हालात ऐसे ही रहने वाले हैं अगले कुछ समय तक, और इंटरनेशनल फ्लाइटें कुछ लिमिटेड ही चलने वाली हैं। लेकिन क्या सभी लोग विदेशों में ही फंसे रहेंगे और केवल वंदे भारत मिशन के एयर इंडिया फ्लाइट पर ही डिपेंड रहेंगे? यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी का भी एक इंटरव्यू ध्यान आ रहा है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन केवल उन लोगों के लिए ही है जो दूसरे देशों में इस समय मजबूरी में फंसे हुए हैं और उनको सही में भारत आने की आवश्यकता है। केवल ऐसे ही लोगों को भारत में लाया जाएगा। ये बात खुद हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में बताई थी, जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा बहुत से मजदूर भाई ऐसे भी हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, जिनको एयर इंडिया की फ्लाइट नहीं मिल रही है, और मिल भी रही है तो ज़्यादा रेट में मिल रही है। वह लोग देश में कैसे आएंगे? जो लोग एयर इंडिया के इस महंगी फ्लाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास एक आखिरी मौका बचा है कि वो थोड़ा इंतज़ार करें। बहुत जल्दी सरकार एयर इंडिया के विमान के अलावा प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों को भी वंदे भारत मिशन में भाग लेने का मौका देने वाली है। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जैसे ही वंदे भारत मिशन में प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां शुरू हो जाएंगी, वैसे ही आप अपने देश में आ पाएंगे। फ्रेंड्स, इस समय आप किसी भी फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार ने चल रहे वंदे भारत मिशन को ही 13 जून तक आगे बढ़ा दिया है। इसकी डिटेल वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाले हैं।